नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार विधान मंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में सभी लोग अपनी मांगों को लेकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा भी पूरी तैयारी की गई थी विधानसभा का घेराव करने का, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने अपना बल प्रयोग किया और उन लोगों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। बताते चले आपको कि बिहार विधानसभा का घेराव करने निकली आंगनबाड़ी सेविकाओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। बल प्रयोग कर पुलिस उन्हें हटाने में जुटी, इसमें कई महिलाओं को चोटें भी आई है। मानदेय की जगह वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाएं विधानसभा का घेराव करने निकली थी। पटना के डगबंगला चौराहे पर भी पिछले सप्ताह आंगनबाड़ी सेविकाओं ने प्रदर्शन किया था। इसमें करीब 2000 आंगनबाड़ी सेविकाओं शामिल हुई थी। मानदेय बंद करके वेतन मिले, सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, ऑन ड्यूटी काम करते हुए अगर कोई सेविका मरती है तो उसे बदले परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए, रिटायरमेंट पेंशन मिले, यह प्रमुख मांगे हैं। आंगनबाड़ी सेविका मौजूदा बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चुनाव के समय बार बार यह कहते हैं कि उनकी सरकार आने पर बिहार के सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं का मानदेय दुगना किया जाएगा, लेकिन सरकार बन जाने के बाद आज तक इस पर अमल नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी सेविका का कहना है कि हम अपने लंबित मांगों के समर्थन में सरकार से इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां भी हमारी मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत होगी किया जाएगा। हम लोग अब किसी के झूठे वादे और बहकावे में नहीं आने वाले हैं। जब तक हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, हम लोग इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र 6 से 10 नवंबर तक चलने वाला है। सोमवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान 3 लेयर सुरक्षा व विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 70 मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के अलावा पुलिस बल के 800 जवान प्रतिनियुक्त की गई है। बगैर प्रवेश पास के विधानमंडल परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन पर भी मनाही है। बावजूद इसके आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा विधानसभा का घेराव करने का तैयारी था, लेकिन उससे पहले ही उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उन्हें विधानसभा जाने से रोका गया। इसी के साथ बता दें आपको कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि जब तक बंद पड़ेगा वो लोग अपने हक के लिए मांग करते रहेंगी, प्रदर्शन करती रहेगी। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जो मांग आंगनबाड़ी सेविकाओं की है वो उनकी पूरी की जाती है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।